सलाम दोस्तों, वनकम सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिटगट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो पार्लियामेंट सेशन हुआ है उसमें क्या चीज़ें निकल करके आया है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है, जैसे कि यूएई में जो डिजिटल करेंसी का लॉन्च होने के बाद चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसलिए फटाफट वीडियो शॉर्ट होगा, कंप्लीट देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और अगर आप लोगों ने हमें पहली बार देखा है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वॉचिंग क्रिप्टो केबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने कुछ दिन पहले बिटगट के बारे में एक बिटगट को डिफेम करके एक वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले। फिर रिसेंटली एक वीडियो बनाया मैंने कि बिटगट जो है अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ से आप रिटर्न जो है आप वहाँ से उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया, क्या भाई तू पहले बोल रहा था बिटगट खराब है, अब बोल रहा है बिटगट अच्छा है, बिटगट के बारे में क्या ये बात कर रहा है। तो देखिए भाई, ना बिटगट मेरा सगा है, ना बिटगट का मैं सगा हूँ, ना बिटगट का मेरा कोई मतलब फैमिली रिलेशन है, ना मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना बिटगट के साथ है, ना किसी भी कॉइन के साथ है, मेरा रिश्ता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के साथ। जब तक मार्केट में सेफली प्रॉफिट लिया जा सकता है तब तक मैं लेता हूँ, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ। कॉइन्स खराब होना या बुरा होना वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट टर्म पे अपना रिसर्च देख करके, अपना एनालिसिस करके, अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस कॉइन से एक रिटर्न मिल सकता है, इमीडिएटली रिटर्न मिल सकता है, तो अब जाइए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ अब जाइए। लेकिन सेफली रहिए और उतना पैसा इन्वेस्ट करना जितना आपका लूज होना आप अफोर्ड कर सको। ये मैंने बार बार हर वीडियो में एंडिंग में मैंने ये बताया है कि भाई उतना पैसा इन्वेस्ट करना जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सको। और बिटगट जो है, अगर मैं एट प्रेजेंट बिटगट के बारे में बात करूँ, तो बिटगट जो है काफ़ी अच्छा कुछ चीज़ें कर रहा है मार्केट में, बैक टू बैक ये पार्टनरशिप जो है वो करता जा रहा है। अभी रिसेंटली 28 तारीख को, फरवरी का 28 को, ये बहुत बड़ा एक बर्निंग सेशन रख रहा है, बहुत बड़ा ह्यूज नंबर पे बर्निंग करने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या करेगा, हम लोग को एक प्राइस पंप जो है इन कॉइन्स में देगा, बिटगट में देगा। शॉर्ट टर्म बेसिस में आप अगर मतलब लाभ उठा सकते हो, प्रॉफिट उठा सकते हो, तो क्यों नहीं उठाना भाई, तो ये मैं सजेस्ट करता हूँ ज़रूर। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनमें वो मतलब उस भरोसा नहीं होता है। जैसे आप शिबा इनू में कर सकते हैं, डोज कॉइन में कर सकते हैं, बेबी डोज कॉइन में कर सकते हैं, लेकिन बिटगट के बारे में वही कुछ चीज़ें जो है वो खटकता है कि उसका पीछे जो है कोई सामने निकल करके नहीं आ रहा है कि कौन है इसका पीछे, तो वो चीज़ों के बारे में। लेकिन जब तक प्रॉफिट मिल रहा है, हम इंस्टेंटली प्रॉफिट ले सकते हैं, तब तक क्यों ना ले। तो इसीलिए मैं बताते रहता हूँ वीडियो, कभी ख़राब बनाऊंगा, कभी अच्छा भी बनाऊंगा, ताकि आपको एक क्लेरिफिकेशन जो है इसमें मिलता रहे, तो इसीलिए मेरा बात। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएई जो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, दुबई, जहाँ पर दुबई सिटी है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दुबई जो है यहाँ पर CBDC जो है वो लॉन्च करने का यहाँ पे फिराक में है, अपना देश का अपना करेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। तो जैसे कि हमको पता है, दुबई जो है एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया एडवांस क्रिप्टो हब बनने जा रहा है, बन चुका है ऑलरेडी, और पीछे पीछे जो है बाकी अदर कंट्रीज आ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों की वजह से हमको ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें एट प्रेजेंट इंडिया में क्या चल रहा है, तो क्लियरली निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे कह दिया है कि क्रिप्टो में जो है बैन का कोई गुंजाइश नहीं है। क्रिप्टो ब्लॉकचेन जो है एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिनटेक सेक्टर के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट का सेक्टर बनने जाएगा आने वाले टाइम में। ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ग्रोथ में, नेशन का ग्रोथ में। तो इसीलिए यहाँ पे बैन का तो कोई बात ही नहीं होगा, बैन का, या अगर हम बात करें क्रिप्टो को यहाँ पे स्पेशली, इन्होंने बताइए क्रिप्टो को लीगल टेंडर शायद ना बनाया जाए, लेकिन क्रिप्टो के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो सोचा जाएगा। डायरेक्टली बैन तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो इसके बारे में चिंता छोड़ दीजिए आप, क्या अभी होल्ड करें नहीं करें, कभी बैन हो जाएगा तो उसके बारे में चिंता नहीं करना है। सेफली यहाँ पे इन्वेस्ट करना है मार्केट में, कुछ ऐसे कॉइन्स है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एट प्रेजेंट जो है काफ़ी बड़े रिटर्न दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था बेबी डोज कॉइन, मैंने कुछ दिन पहले बेबी डोज कॉइन के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कितना पंप ले रहा है। अभी शायद अप्रॉक्सीमेटली 280% का पंप जो है इससे ऊपर भी ले चुका है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के अंदर। तो बेबी डोज कॉइन भी यहाँ पे मार्केट में काफ़ी अच्छा कर रहा है। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन जो है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बनते जा रहा है। मैंने 5 मिस्टेक्स वाला एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट करना। वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा पैटर्न के बारे में बताया था कि जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कब मार्केट जो है यहाँ से एक बुलिश पैटर्न लेने वाला है। तो अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है वो भी कुछ उसी तरह का सिचुएशन जो है एट प्रेजेंट चल रहा है। तो इसीलिए मार्केट में अभी देखिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए, और अगर आपके पास कैश है, कैश पड़ा हुआ है जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, इस लाइन को मैं भारी भरकम यहाँ पे वर्ड से बोल रहा हूँ,
रहे हो जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। अपना रिसर्च करके उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सको, और अभी SIP करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टैटिक और स्टेबल पोजीशन में है। बिटकॉइन जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेबल पोजीशन में है। तो ये चीज़ों जो है उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा कि बिटगट जो है उसको बारे में क्यों मैंने गलत बताया था पहले और अभी क्यों सही बता रहा हूँ, और क्या है इसका पीछे। देखिए मैं हमेशा ये इसी मोटिव से रहता हूँ कि कोई भी एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक कॉइन जो है जिसमें से शॉर्ट टर्म बेसिस में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, डेफिनेटली उस पर कूदना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी है, कुछ ऐसा क्या बहुत ही सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिनको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब कुछ दिन बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा कि जिसमें आप बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे कौन सा वो बेस्ट क्वांट रहेंगे जो कि आपको एक काफ़ी बढ़िया जो है वो रिटर्न बना के दिखा सकते हैं। तो वो वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक करके रख देना है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने बताया आप तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई लव टू रिप्लाई दैट। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। We'll be right back.